Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 6. Today we are learning the revision test number 1 of exercise number 7. Okay. Fill in the blanks with correct prepositions. Choose from the choice given within brackets. वह ब्रैकेट्स में प्रीपोजिशन दिया है, उसमें से कोई एक जो करेक्ट है वो हमें चूज करके फिलिंग द ब्लैंक में लिखना है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. दिस बुक इज डेडिकेटेड ब्लैंक द फ्रीडम फाइटर. ब्रैकेट में हमें तीन प्रीपोजिशन दिया है, टू विथ एंड इन. टू विथ इन, तीन प्रीपोजिशन में से कौन सा सही है, जो सही है वो फाइंड कर हमें लिखना है. तो क्या सही है? टू. आंसर क्या आएगा? टू. सो इट्स आंसर इज दिस बुक इज डेडिकेटेड टू द फ्रीडम फाइटर्स. ओके, नेक्स्ट. एट द एज ऑफ 10, कॉमा ही वॉज एडमिटेड ब्लैंक ए पब्लिक स्कूल. ब्रैकेट में दिया है इन टू फोर. इन टू फोर, आंसर क्या आएगा? टू. क्या आएगा आंसर? टू. सो इट्स सेंटेंस इज द एज ऑफ एट द एज ऑफ 10 ही वॉज एडमिटेड टू ए पब्लिक स्कूल. ओके, नेक्स्ट. His father deals blank sugar. ब्रैकेट में प्रीपोजिशन दिया है इन विद एंड टू. सो क्या आंसर आएगा? इन. क्या आएगा? इन. सो हिज फादर डील्स इन sugar. ओके, नेक्स्ट. आई नीड ए पेन टू राइट blank. ब्रैकेट में दिया है विद, इन एंड ऑन. तो आंसर क्या आएगा? विद. क्या आएगा आंसर? विद. सो सेंटेंस इज आई नीड ए पेन टू राइट विद. ओके, नेक्स्ट. शी वॉज सिटिंग ब्लैंक हर सिक चाइल्ड. ब्रैकेट में हमें दिया है बिसाइड एंड डिसाइड. सो इट्स आंसर इज बिसाइड. क्या आंसर आएगा? बिसाइड. सो शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर सिक चाइल्ड. ओके, नेक्स्ट. द नंबर ऑफ सच पीपल रन्स ब्लैंक थाउजेंड्स. ब्रैकेट में दिया है इन इनटू एंड विद. सो इट्स आंसर इज इनटू. सो द नंबर ऑफ सच पीपल रन्स इनटू थाउजेंड्स. ओके, नेक्स्ट. सेवन नंबर. शी इज नॉट गिवन ब्लैंक हार्श ट्रीटमेंट. ब्रैकेट में दिया है टू विथ एंड अप. सो इट्स आंसर इज टू. शी इज नॉट गिवन टू हार्श ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट. द पुलिस इज लुकिंग ब्लैंक हिज कंप्लेंट. ब्रैकेट में दिया है ऑन इनटू एंड फोर. सो इट्स आंसर इज इनटू. क्या आएगा? इनटू. सो द पुलिस लुकिंग इनटू हिज कंप्लेंट. ओके, नेक्स्ट. All of yous straight blank success. ब्रैकेट में हमें दिया है फोर विथ एंड ऑन. सो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ अस स्ट्राइव फोर सक्सेस. ओके, नेक्स्ट. शी डिवोट्स ऑल हर टाइम ब्लैंक प्रेयर्स. ब्रैकेट में दिया है विथ टू एंड इन. सो इट्स आंसर इज टू. क्या करेक्ट है? टू. सो She devotes all her time to prayers. Okay. Next, exercise number 8. Complete the sentences given below with a suitable clauses. The clauses रखकर हमें यहाँ पर जो अदर सेंटेंस दिया है उनको कंप्लीट करना है. Each clauses will earn adverb clauses. You have also to write the kind of adverb clauses it's.
जो भी हम क्लोजेस रखेंगे वो कौन से टाइप का होगा, एडवर्ब टाइप का, पर उनमें भी जो टाइप आती है उसकी टाइप हमें लिखनी है कि हमें एडवर्ब तो लिखा है पर एडवर्ब में भी कौन सी टाइप है वो हमें लिखनी है। ओके सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट नंबर, आई वांट यू टू डू एग्जैक्टली एज ब्लैंक, तो ब्लैंक में क्या आएगा, यू आर टोल्ड, क्या आएगा, यू आर टोल्ड, कौन सी टाइप हुई है, मैनर टाइप, कौन सी टाइप हुई, मैनर। सो इट्स कंप्लीट सेंटेंस इज आई वांट यू डू सॉरी टू डू एग्जैक्टली एज यू आर टोल्ड। ओके नेक्स्ट, सिंस ब्लैंक कॉमा दे मस्ट पे फॉर द डैमेज, सो इट्स आंसर इज दे ब्रोक द चेन। सो कंप्लीट सेंटेंस इज Since they broke the chair, they must pay for damage. कौन से टाइप का हुआ है, रीजन, क्या एडअप तो है एक पर उसमें कौन सा टाइप आएगा, रीजन। ओके नेक्स्ट, they could not go because blank. So its answer is happy had no money. So they could not go because Happy had no money. तो कौन सी टाइप का हुआ है, रीजन, कौन सी टाइप का हुआ, रीजन। ओके सॉरी, हैप्पी ने ये क्या है, वाई। सो फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, दे कुड नॉट गो बिकॉज वाई हैड नो मनी। ओके नेक्स्ट, द वेटर वॉज कॉट वेर ब्लैंक, तो ब्लैंक में क्या आएगा, द टू रिवर्स मीट, क्या आएगा, द टू रिवर्स मीट, कौन से टाइप में आएगा, प्लेस, कौन से टाइप में आएगा, प्लेस। सो द वेटर वॉज कॉट वेर द टू रिवर्स मीट, टू रिवर्स मीट। ओके नेक्स्ट, एज ब्लैंक हीज फादर एंटर द रूम, तो क्या आएगा, ही वेंट आउट, तो कौन से टाइप में आएगा, टाइम में, इसमें आएगा टाइम। सो एज ही वेंट आउट हीज फादर एंटर द रूम। ओके नेक्स्ट, डू नॉट लीव द हाउस अंटिल ब्लैंक, ब्लैंक में क्या आएगा, शी रिटर्न्स, क्या आएगा, शी रिटर्न्स, ये भी कौन से टाइप में आएगा, टाइम में। सो डू नॉट लीव द हाउस अंटिल शी रिटर्न्स। ओके नेक्स्ट, एज ब्लैंक कॉमा यू हैड बेटर डू इट अगेन, सो इट्स आंसर इज यू फेल्ड द फर्स्ट टाइम, तो ये भी कौन से टाइप में आएगा, रीजन में, इसमें आएगा रीजन में। सो कंप्लीट सेंटेंस इज एज यू फेल्ड द फर्स्ट टाइम यू हैड बेटर डू इट अगेन। ओके नेक्स्ट, You are behaving as though blank. क्या आएगा आंसर, You were the answer of the place. कौन सी टाइप में आएगा ये, मैनर, किस में आएगा, मैनर। सो यू आर बिहेविंग एज दो यू वेर द आंसर ऑफ द प्लेस। ओके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, शी हैज नॉट मेट हिम सिंस ब्लैंक, तो ब्लैंक में क्या आएगा, ही रिटर्न फ्रॉम द लाइक, ही रिटर्न फ्रॉम द लाइक, तो एक कौन से किस में आएगा, टाइम में, किस में आएगा, टाइम में। सो नाइन नंबर इज शी हैज नॉट मेट हिम सिंस ही रिटर्न फ्रॉम द यूके। ओके क्या आएगा, ही रिटर्न फ्रॉम द यूके। लास्ट, द वुमेन ब्रॉक डाउन वैन ब्लैंक, तो ब्लैंक में क्या आएगा, समवन मैन लायन हर हस्बैंड, एक इसके कौन से टाइम में आएगा, टाइम में, और किस में आएगा, टाइम में। सो द वुमेन ब्रॉक डाउन वैन समवन मैन लायन हर हस्बैंड। ओके नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 9,
Complete the following sentences by filling in the suitable pronouns. So filling the blank हमें complete करनी है किसका किसकी help लेकर pronouns की किससे करनी है pronouns से. Okay, so she prides blank on her beauty. So कौन सा pronouns आएगा हर सेल्फ क्या आएगा हर सेल्फ. सो शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी. ओके नेक्स्ट ब्लैंक वेयर द मैंगोज ही हैड ब्रॉट फ्रॉम लखनऊ कौन सा प्रोनाउन आएगा वुज क्या आएगा वुज. सो वुज वेयर द मैंगोज ही हैड ब्रॉट फ्रॉम लखनऊ. नेक्स्ट द मैन ब्लैंक आई शो There was an old friend. So its answer is whom. So the man whom I showed there was an old friend. Okay. Next, I enjoyed blank in the party. So its answer is myself. So I enjoyed myself in the party. Okay. Next, she blank came here to give the message. So its answer is herself. So number 5 is she herself came here to give the message. Okay. Next, he have blank own interest in mind. So its answer is there. So they have their own interest in mind. Okay. Next, whenever blank rains comma we feel very uncomfortable. So its answer is it. Okay, so whenever it rains we feel very uncomfortable. Okay. Next, people say we make blank own destiny. So its answer is our. So people say we make our own destiny. Okay. Next, the I cannot see blank. Answer is itself. So the I cannot see itself. Number 10 is she is blank responsible for this huge loss. Answer is herself. So complete sentence is she is herself responsible for this huge loss. So next, exercise number 10, we watch the next video. Okay.